नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। अक्सर आपके मुंह में पड़ जाते हैं छाले, तो ये घरेलू नुस्खे आपको देंगे झट से आराम। प्यारे दोस्तों, इंसान हर बीमारी झेलने की शक्ति रखता है, लेकिन अगर उसके मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो बहुत ही बेहाल हो जाता है, क्योंकि ना वो सही से काम कर पाता है, ना कुछ खा पाता है, ना कुछ पी पाता है, और उसके मुंह में बेचैनी होने की वजह से उसका सारा ध्यान ही मुंह पर रहता है। वैसे मुंह के छाले पेट की गड़बड़ी के वजह से ही नहीं बल्कि कई कारणों से वैसे मुंह के छाले सिर्फ पेट की गड़बड़ी की वजह से नहीं बल्कि कई कारणों से भी हो सकते हैं, जिसमें शरीर की पौष्टिकता में कमी का होना, खराब जीवन शैली या फिर खान पान में गड़बड़ी का होना, या सबसे बड़ी बात पेट का साफ ना होना छालों के होने का मुख्य कारण माना जाता है। ऐसे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग पाता, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है कि वो किसी भी प्रकार से अपने मुंह के द्वारा कुछ खा पी नहीं पाता है। छाले हो जाए तो घरेलू नुस्खे आपको झट से आराम दे सकते हैं। इन नुस्खों को आपने नियमित रूप से 3 से 5 दिनों तक सेवन करना है। मुंह में पड़ जाते हैं छाले तो ये घरेलू नुस्खे आपको देंगे झट से आराम। ये इस प्रकार से है, तुलसी। तुलसी स्वास्थ्यवर्धक होती है और ये दर्द में भी बहुत सहायक मानी जाती है। छाले होने के दौरान इसे मुंह में दिन में 2 बार अवश्य रखें, और आप ऐसा करेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे पीस करके मुंह के छालों पर लगाएं और कुछ देर के लिए मुंह को नीचा कर लें। जो भी विषाक्त पदार्थ है वो लार के रूप में मुंह से बाहर निकल जाएंगे और आपको जल्दी राहत प्राप्त होगी। ये उपाय आपको 3 से 4 दिन तक करना है, धीरे धीरे छाले अपने आप समाप्त हो जाएंगे। खसखस। कभी कभी खान पान की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं, ऐसे में खसखस खाना शुरू कर दें। इसे खाने से पेट की गर्मी दूर होती है और पेट साफ हो जाता है। खसखस को आप रात को पानी में भिगो दें, साथ में मिश्री भी भिगो दें, और सुबह उसे पीस करके आप दूध में मिला करके पियेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। नारियल। नारियल का तेल मुंह के छालों के लिए रामबाण इलाज होता है। नारियल पानी पीने से शरीर के साथ पेट भी ठंडा रहने लगता है, और इसके अलावा नारियल को घिस करके उसका पेस्ट छालों पर लगाएंगे तो छाले ठीक हो जाएंगे। हल्दी। हल्दी के पाउडर में कुछ बूंद पानी की डालकर पेस्ट बना लें और छालों पर लगाएं। आपको बहुत जल्दी राहत प्राप्त होगी, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो न सिर्फ छालों को ठीक करती है बल्कि दोबारा छालों को होने से भी रोकती है। मुलट्ठी। मुंह के छालों में मुलट्ठी में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण दर्द से राहत देते हैं। जरूरत के हिसाब से मुलट्ठी को पीस लें और शहद में मिलाकर छालों के ऊपर लगाएं। ऐसा करने से कुछ ही देर में आपको दर्द में राहत प्राप्त होगी और कुछ ही दिनों में छालों की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। वैसे मुलट्ठी खांसी में भी बहुत फायदेमंद होती है।